I hope all of you are doing well. चलिए बाय द वे माय न्यू कोर्सेज हैव बिगन ऑन अन अकेडमी, ठीक है ना? अन अकेडमी पे मेरे नए कोर्सेज चल रहे हैं एंड टुडे ओनली अ न्यू न्यू कोर्स हैज स्टार्टेड. आपको पता होगा ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, राइट? PIH यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कोर्स अभी जस्ट 9 PM पे स्टार्ट हुआ है. मैनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट कोर्स, काफ़ी लोगों ने अटेंड किया है, राइट? एंड सेवरल ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ माइंड, द लेट नाइट न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना? सो विल जस्ट स्टार्ट इन इन अ मिनट, 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे. हाय हर्ष, कैसे हो आप? अच्छा सना, आप कल से आएंगे? अमेजिंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कूल. सो आज 28 दिसंबर है. बाय द वे गाइज, न्यू ईयर्स के आप लोग के क्या प्लान्स हैं? व्हाट आर द न्यू ईयर्स प्लान्स ऑफ ऑल ऑफ यू? एनी प्लान्स फॉर द न्यू ईयर्स? 31st का कैंडिडेट सेशन रखेंगे. विल कीप अ कैंडिडेट सेशन. आई विल प्ले द गिटार फॉर यू गाइज ऑन न्यू ईयर्स ईव, ठीक है ना? एक दिन सो न्यू ईयर्स पार्टी हम लोग करेंगे, 1 आवर. विल हैव अ लॉट ऑफ फन, सोलो कॉन्सर्ट रहेगा, मजा आएगा, एकदम मजा ही आ जाएगा. बिस्वा स्टाइल, मजा ही आ गया. मैंने ऐसे बोला, मजा ही आ गया फिर, ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलो गुड. यार ये प्रेजेंटेशन तो जल्दी से अपलोड हो जाए. ओ, वाकिफ की ट्रैकिंग है ईस्टर्न घाट्स में, क्या बात है. नहीं वाकिफ, अच्छा कहाँ जा रहे हैं वाकिफ आप? वेयर आर यू गोइंग, विच प्लेस ट्रैकिंग? देवमाली, मैं बता रहा हूँ, देवमाली जा रहे हैं. अब उन्हें उन्हें हमसे पढ़ लिया है ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी के बाद वो अब वो देवमाली नहीं रहा, इट्स ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स में जा रहा हूँ मैं सर, आई एम गोइंग टू द ईस्टर्न घाट्स नाउ. सो वो थोड़ा ज्योग्राफी में ढल चुके हैं, अपनी अपने आप को ढाल चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर, एकदम शुमार हो चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर, एकदम अंदर नस नस में ज्योग्राफी है. चलिए, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ हो रखा है, बिल्कुल करेक्ट. हाँ बिल्कुल, सोहम विल हैव द क्लास ऑन 31st, हम लोग करेंगे. यस यस यस, बिल्कुल सोहम, विल हैव गिटार सेशन ऑन 31st, नो डाउट अबाउट इट. रात को भी करेंगे, रात को भी सेशन रखेंगे विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस, विल डिवोट टाइम फॉर दैट. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. सो वेलकम टू द लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. बाय द वे, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू जॉइन अन अकेडमी प्लस, 28 दिसंबर से आर्टिकल्स आप इन आज ही से कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल 2021 2022 और 2023 के लिए. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो. यू कैन यूज़ द कॉम्बो ऑफर टू जॉइन अन अकेडमी प्लस फॉर बोथ ऑप्शनल एज वेल एज GS एंड यूज़ माई रेफरल कोड VCSIR फॉर अ 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन, ठीक है? चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज आर्टिकल. फार्मर प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द एयरिंग ऑफ पीएम मोदीज मन की बात. तो जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपकी मन की बात जब चल रही थी, सो देर वॉज प्रोटेस्ट विच वर गोइंग ऑन एंड क्या कहते हैं, सो दिस बेसिकली जस्ट इंडिकेट्स दैट सम ऑफ द फार्मर्स सीम्स नॉट टू बी वेरी हैप्पी विद द 3 फार्म बिल्स, राइट? एंड दे आर प्रोटेस्टिंग रिलेंटलेसली. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू ट्राई टू पैसिफाई थिंग्स, ट्राई टू नेगोशिएट विद देम. लेट अस होप दैट यू नो सम गुड कम्स आउट ऑफ द प्रोटेस्ट, बोथ फॉर द फार्मर्स एंड यू नो फॉर द कंट्री एज अ होल. चलिए नेक्स्ट है आपका डेली वायरस केसेस. दिस इज यार, ये मैं यार ये बस ये तो मैं खुश हो गया था यार, दिल खुश नहीं हो गया आपको देख करके. ये 19,000 यार, टचवुड, कम ऑन, दिस इज वेरी नाइस. लेट्स होप इट गोज डाउन डाउन डाउन. खत्म करो यार ये, लेट्स फिनिश दिस अप. 6 महीने के बाद जाकर के 19,000 लेवल पे पहुंचे, जबकि एक समय 97,000 तक पहुंच चुका था. तो इंडिया डेली न्यू कोविड नो केस लो ड्रॉप बिलो 19,000 आफ्टर 6 मंथ्स एंड आपके बट 60 डेथ्स जो है महाराष्ट्र में हुई हैं. सो आपके 297 सॉरी 279 डेथ्स टोटल में हुई थी. तो सिचुएशन सीम्स टू बी नॉर्मलाइजिंग, टचवुड. एंड इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि मेरा एक प्रिडिक्शन गलत हो गया. मेरा प्रिडिक्शन ये था कि द कर्व विल गो लाइक दिस,
बट ये वाला पोर्शन नहीं हुआ, तो अच्छी बात है. आई लव दैट दिस प्रिडिक्शन फेल्ड, बिकॉज इट आई थिंक इट वेंट समथिंग लाइक दिस रादर, राइट राइट. बिकॉज वो मुझे लगा था कि जो बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन एज वेल एज मैरिजेस दे माइट बी इन इंक्रीज, बट इट सीम्स दैट यू नो वो चीज़ ऊपर नहीं बढ़ी, नीचे चली गई. दैट इज अ, मैं तो खुश हूँ ऐसे प्रिडिक्शन में, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ. माई प्रिडिक्शन वेंट रॉन्ग, गुड राइट. सो द डिक्रीज इन केसेज हुए हैं, एक्टिव नंबर केसेस कम हुए हैं, एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन. अच्छा, धारावी एरिया में 0 केसेज इन दादर, नाइस है, वेरी नाइस. अच्छा हाँ, टेलीग्राम लिंक बाय द वे, कितने लोग हैं जिनने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक बाय द वे? सो यस, यू कैन ज्वाइन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो. नाउ एलएसी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. एलएसी हॉटस्पॉट्स टर्न ब्रांड बजवर्ड इन वैली, राइट. सो डेली बेस्ड शू मेकर हैज लेवरेज दी इमोशनल कनेक्ट टू स्पर दी सेल. सो नाम देख रहे हो, जूतों के ब्रांड के नाम, गलवान, पंगोंग, फिंगर फाइव, ठीक है. सो ये शू कंपनी ने इन वॉलेटाइल लोकेशंस का नाम यूज करके उसको एकदम मस्त वो बना दिया, ब्रांड बना दिया उनका. सो इनके एडवर्टिजमेंट निकल के आए हैं, जैसे बड़े बड़े बहुत सारे मॉडल्स हैं जो ये सब आपके एरियाज है ना, डोकलम, कारगिल, गलवान, इनके नाम पे जूते बनाती हैं, राइट. अब नाउ देर आर टू थिंग्स टू दिस, आई विल से देर टू थिंग्स टू दिस, देर कुड बी टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. एक तो चलो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इनोवेटिव सा आइडिया है, यू नो ट्राइंग टू, बट ये जूते पे जूते का नाम प्लेस के ऊपर नाम रखना, यू नो आई डोंट नो इफ इफ इट, आई होप इट डज नॉट लीड टू सम सेंटिमेंट्स गेटिंग, यू नो आपका सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए किसी के, क्योंकि भाई कोई जगह का नाम है, आई एम श्योर यू नो पोंगोंग है, गलवान है, बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो कहीं जूता, क्योंकि जूता इज समथिंग विच इज यू नो आपके पैर पे हो सकता है. सो दैट इज अ कंसर्न विच आई हैव, सो लेट्स होप कुछ ऐसा ना हो, बट यही है. सो ये है कि अब आ जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है ये वीसी प्रोजेक्ट्स, मुझे लग रहा है 2-3 दिन में आएगा न्यूज़ दैट ऑब्जेक्शन रेज्ड ऑन दिस, बिकॉज इतना न्यूज़ में आ गया ना ये. लेट्स सी क्या होता है. बट हाँ मुकुंद, नहीं बात दूसरी है, कोल्हापुरी चप्पल इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज जी आई टैग, दैट्स अ, दो चप्पल्स आर बेस्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसकी बात नहीं हो रही है. दिस इज टॉकिंग की दी ब्रांड ऑफ अ कंपनी इज यूजिंग नेम्स ऑफ लोकेशंस. अब उस पर मतलब देर कुड भी ऑब्जेक्शन रेज, आई एम जस्ट सेइंग दैट. नहीं भी हो सकता, इट कुड ऑल्सो भी केस दैट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट. सो दैट कुड ऑल्सो हैपन, बट आई एम जस्ट यू नो थिंकिंग आउट लाउड हेयर. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे नाम रखने पर सोचना पड़ता है लोगों को बहुत बार. जैसे आप सोचो, जस्ट ट्राई टू थिंक दैट कोई यू नो आप जूते का या उसका कोई किसी के ऊपर रख दो, एंड यू नो मे बी देर आर सर्टेन पीपल हु यू नो रेवर दैट पर्सन या पर्सन या प्लेस वॉट एवर, सो इट माइंड यू नो आपका दिक्कत की सिचुएशन हो सकती है. बट वही है कि इसमें दूसरी चीज़ भी है, इट डज एड्स टू द मैचुइज्म. अब ये बात भी है, राइट. द वे दे पोर्ट्रेइंग इज दैट यू नो कि वहाँ पे बहुत हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उस एरिया में, सो ब्रेवरी दिखाते हुए जूते को, यू नो जूते का स्टाइल इज वेरी ब्रेव एंड वेरी टफ. सो वो चीज़ भी एक है, सो दैट कुड एक्चुअली लीड टू अ पॉजिटिव स्पिन ऑफ ऑल्सो. सो आई एम नॉट सेइंग दैट गलत ही है, बट आई एम सेइंग दैट यू नो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन एज वेल, हाउ यू पोर्ट्रे सच थिंग्स. एडिटोरियल्स पे हम लोग अभी आते हैं, विल कम टू द एडिटोरियल राइट नाउ, थोड़ी देर में आते हैं, बट लेट्स फिनिश द अदर आर्टिकल्स. डक्स डाई इन लार्ज नंबर इन कुट्टनाद, वेयर इज दिस कुट्टनाद एरिया? कुट्टनाद कहाँ पे है? कुट्टनाद इज इन केरला. व्हाई, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट कुट्टनाद? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट कुट्टनाद? इट इज पार्ट ऑफ द गियाज. व्हाट इज गियाज? जी आई ए एच एस, गियाज. What is this? What is गिहाज? Any idea? किसी को पता है गिहाज क्या है? नहीं पता, भूल गए. जी आई ए एच एस है, जी आई, हाँ जी आई ए एच एस, सॉरी जी आई ए एच एस. सो इट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, ठीक है ना. इट इज योर ग्लोबली इंपॉर्टेंट ग्लोबली इंपॉर्टेंट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ए एच एस है, थोड़ी इसको रिवर्स कर दो आप, ठीक ना, एग्रीकल्चर हेरिटेज
योर साइट्स, ठीक है, साइट्स। इसके अंदर इंडिया में तीन साइट्स हैं, मैंने बताया था पहले भी, है ना, मैंने पहले बताया हुआ है। सो देयर आर थ्री साइट्स अंडर दिस। एनी आइडिया व्हाट आर द थ्री साइट्स? कौन से थ्री साइट्स हैं ये? पहला है आपका ये कुट्टनाद, कुट्टनाद इन केरला, फॉर अंडर दी सी, अंडर सी या बिलो सी लेवल राइस कल्टिवेशन, नॉट अंडर द सी, बिलो सी लेवल, बिलो सी राइस कल्टिवेशन, अंडर सी या बिलो सी राइस कल्टिवेशन होता है आपका कुट्टनाद में। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना देयर। इसके अलावा है कश्मीर, कश्मीर में जैफरॉन, है ना, जैफरॉन, राइट, केसर जो होता है, जैफरॉन ऑन कारेवाज। एंड चौथा एक है आपका कोरापुट, तीसरा, 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 चौथा नहीं, तीसरा है कोरापुट इन ओडिशा। इट्स द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर देयर। तो ये तीन लोकेशन हैं, द तीन के, जिनको मैं कहता हूँ के किरण। सो आपको दिमाग में आना चाहिए के गिहाज, राइट। सो कुट्टनाद, कश्मीर एंड कोरापुट आर गिहाज। ओके, सो कोरापुट इज ओडिशा, कश्मीर एंड कुट्टनाद इन योर केरला रीजन। सो ये वही कुट्टनाद एरिया है जहाँ पे डग्स की डेथ हो गई। अब देखिए डग्स डाई हो गई बेचारी, तो वो तो चलो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट द थिंग इज दैट मोर इम्पॉर्टेंट इज अबाउट द फैक्ट राइट दैट कुट्टनाद इज अ गिहास, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ डग्स हैव डाइड हियर कोरापुट, सॉरी कुट्टनाद में, ठीक है ना। हाँ, आपका तीसरा था कोरापुट, KORAPUT। अरे भाई क्लास क्लास चल रही है, उसके बाद क्लास कैसे खत्म हो सकती है भाई? चलिए कूल। नाउ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर का, टॉप एन अकेडमी एजुकेटर, शेडिंग द लाइट ऑन द रोशनी एक्ट। बड़ा ही बहुत दिनों से न्यूज में आ रहा है ना, रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट, ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज दिस ऑल अबाउट, लेट्स ट्राई टू रीड वॉट सर हैज रिटन। सो इवन एज द न्यूज ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड एमर्जेस, दिस एंड इज समवॉट कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट दैट इज मेकिंग द हेडलाइन, दैट इज अ रोशनी एक्ट, ठीक है ना। दो इंटेंडेड टू बेनिफिट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, इट हैज नाउ गेन्ड इल रिप्यूट, उसकी थोड़ा इज्जत अच्छी नहीं रही है। आपका द इनैक्टमेंट ऑफ द रोशनी एक्ट एंड इट्स एलिजिड मिस यूज, राइट, एंड द हाई कोर्ट डिसीजन एंड द रिव्यू पिटिशन इज एग्जाम्पल हाउ एक्ट फेल टू बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वॉट इज दिस रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट इज अ एक्ट विच वॉज एक्सक्लूसिवली टू योर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सो रोशनी एक्ट वॉज नोन एज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, ठीक है। इसका आइडिया ये था कि जो अनऑथराइज लैंड्स हैं उनको रेगुलराइज करने की बात की गई थी, ठीक है ना। एज पर द एक्ट एनी वन हु हैड ऑक्यूपाइड अनऑथराइज लैंड इन जम्मू कश्मीर कुड पे अ सर्टेन फी एंड द लैंड वुड बी रेगुलराइज। बात समझ में आ गई फंडा? ये तो भाई अगर आपने मान लो किसी तरह से कोई लैंड पे कब्जा कर रखा था या उसको आपने ओन कर रखा था बट वो लीगली आपके ओनरशिप नहीं है, तो इसमें ये बोला गया था कि हम एक फी फी बोलेंगे राइट, और वो फी आप दे देना आपकी लैंड हो जाएगी, ठीक है ना। सो द टारगेट प्रोसीडिंग्स अप्रॉक्सीमेटली वर 2500, सॉरी 25,000 करोड़ रुपीज, एंड दे वर टू बी यूज फॉर योर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दस द नेम रोशनी की मिंटू पी। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात ये थी कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने लैंड को इलीगली रखा हुआ होगा बिकॉज वो रेगुलराइज नहीं हुई थी राइट, उसको रेगुलराइज करने के लिए सो दैट आगे से उनके खिलाफ दिक्कतें ना हो, एंड लोकल लोग जो हैं जिनके पास लैंड राइट्स नहीं है बट लैंड ओन कर रहे हैं वो लोग, उनको हैरेसमेंट बाद में ना हो आपके पुलिस के द्वारा। सो उनको ये रोशनी एक्ट पास करके ये प्रोविजन दिया गया कि भाई एक हम प्री डिसाइडेड पैसा मांगेंगे, इतना पैसा दे देना लैंड आपकी, ठीक है ना, ठीक है ना। सो उन्हें बेसिकली गाना गाया कि दो जोड़ों में पैसा भेजो लैंड हुआ तुम्हारा, बादशाह के गाने में। सो आफ्टर दी एवर चेंजिंग पोस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द एवर चेंजिंग पोस्ट। अब हुआ क्या, ठीक है, इन 2001 व्हेन दी लॉ वॉज इनेक्टेड, अच्छा हनी सिंह, सॉरी, यस, माई माई बैड, एक ही जैसे लगते हैं सब मेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी, योयो का गाना था सर, सॉरी सॉरी, माई बैड, योयो के फैंस को मैंने ऑफेंड कर दिया, माई गॉड, ये भी दिन आते थे। चलिए, इन 2001 व्हेन दी लॉ वॉज इनेक्टेड
1990 वॉज सेट अप एज द कट ऑफ डेट फॉर इंक्रोचमेंट ऑन द स्टेट लैंड। मतलब भाई अगर 1990 से पहले आप यहाँ पे प्रूव कर पाते हो कि आप थे, तो आपको हम हम आपको ये अलाउ कर देंगे। बट अब क्या हुआ, अब सब्सिक्वेंटली जो सरकारें आती गई, बढ़ती गई, उसमें ये डेट्स रिवाइज होती रही, ठीक है ना। ओके, सो ये आपका दिक्कत की बात थी, राइट। नाउ आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसने इस पर्टिकुलर लॉ को, रोशनी एक्ट को इनैक्ट कराने के लिए आपके रूल्स पास किए अंडर दी सेक्शन 18 ऑफ द रोशनी एक्ट, ठीक है। अब हुआ ये था, ये जो रूल्स हुए थे, दीज रूल्स वर पास्ड अप्रूव्ड विदाउट द लेजिस्लेचर। अब देखो ये वो था, दिस वॉज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, यू अंडरस्टैंड राइट। रूल्स, नोटिफिकेशन, ये सब सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, सो दे आर अलाउड। बट इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दिया आपके पार्लियामेंट, वहां के लेजिस्लेचर ने भी, ठीक है ना। सो दिस फ्यूल्ड द एलिगेशन दैट द चेंजेस वर मेड टू सूट द एलीट। सो आपकी सरकार के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए कि भाई जो एलीट क्लास है, जो रिच क्लास है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं रोशनी एक्ट के अंदर, ठीक है ना। ओके, चलिए, ऑलराइट, कूल। अब हुआ ये कि जो एक्सपेक्टेड, अभी व्हाट व्हाट इज कैनाल्स ऑफ लैंड, ये क्या होता है, व्हाट इज कैनाल्स ऑफ लैंड, एनीवन हैज एन आइडिया, व्हाट इज कैनाल्स ऑफ लैंड। वन कैनाल इज इक्वल टू 505 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द कन्वर्जन। वन कैनाल का मतलब होता है 505 स्क्वायर मीटर। सो इट बेसिकली अ मेजरमेंट, इट्स लैंड मेजरमेंट यूनिट, ठीक है ना। सो ये लगभग 20.46 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड इसमें ट्रांसफर होना एक्सपेक्टेड था, बट इवेंचुअली हुआ सिर्फ 3.48 लाख। एंड सीएजी ने भी नोट किया दैट गवर्नमेंट हैज जनरेटेड ओनली 76 करोड़ ऑफ द टारगेटेड 25,000 करोड़ रुपीज। बात समझ में आ गई। तो आइडिया इज, जो ये स्कीम थी, इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट होना था, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाई। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, अब ये हुआ क्या, अब 2018 में जो जम्मू कश्मीर के जो उस समय सत्यपाल गवर्नर साहब थे, उन्होंने रिपील कर दिया इस एक्ट को प्रोस्पेक्टिवली। ओके, अब सो दिस वाज द आइडिया, इसको रिपील भी कर दिया, राइट। अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज इन 2000, अगर हम देखें पहले 2011 में जम्मू से एक आपके पीएल फाइल हुई थी इन द हाई कोर्ट, एलिजिंग दैट भाई लैंड ग्रैब हुआ है, लोगों का लैंड हड़प लिया गया है वगैरह। सिमिलरली 2014 में भी एक पिटिशन फाइल की गई थी कि भाई कि स्टेट लैंड के ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया, दिस वॉज द एलिगेशन। सब्सिक्वेंटली आपका एक डिवीजन बेंच बैठा था, वॉट डज डिवीजन बेंच मीन, डिवीजन बेंच का मतलब क्या होता है बैठे हुए, वॉट इज अ डिवीजन बेंच, एनी वन हैज एन आइडिया अबाउट दिस। हाँ, टू या मोर जजेस अब होते हैं किसी बेंच के अंदर, इट्स कॉल्ड द डिवीजन बेंच। तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच बैठा था और उसने 2020 की 9 अक्टूबर को अनाउंस किया, ठीक है ना, राइट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होता है डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है 5 या मोर जजेस। यहाँ पे एटलीस्ट 2 जजेस इज अ डिवीजन बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो उसमें होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सो आपका अब ये वर्ड कि 9 अक्टूबर 2020 को डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयरिंग द चैलेंज्ड एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड अनसस्टेनेबल। बात समझ में आपको। सो आपके की जो ये है रोशनी एक्ट है, उसके खिलाफ उसको बोल देगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट जो भी एक्शंस लगाए गए थे अंडर द एक्ट, उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया, एंड बोला गया कि भाई जो भी लैंड इसमें दी गई थी उसको वापस ले ली जाए। तो इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड वाज कि जितनी लैंड रेगुलराइज की गई थी, अब उनको कह रहे हैं कि नाउ दैट शुड बी नाउ टेकन बैक बाय द स्टेट। गॉट द लॉजिक, ठीक है। अब क्या हुआ है, द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज नाउ फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन प्लीडिंग फॉर मॉडिफिकेशन टू द जजमेंट। बिकॉज क्या होगा कि भाई इतने सारे लोग जो सोच रहे थे कि हमको लैंड मिल गया, हमको लैंड मिल गया, उनको आप कह दो अब आपकी लैंड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। सो इससे देखो भाई, इससे इससे नुकसान किसका होगा, द कॉमन पीपल वुड सफर, है ना।
सो पेटिशन सेज दैट डिक्लेयरिंग ऑल द अलॉटमेंट नल एंड वॉइड कुड कॉज अनइंटेंडेड सफरिंग टू अ लॉट ऑफ कॉमन पीपल, राइट, जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स पुअर हैं और उनकी लैंड खत्म हो जाएगी और वो बेचारे परेशान हो जाएंगे. सो दिस इज वॉट द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज नाउ डन. ठीक है ना. नहीं, वैष्णवी हाउ वुड द कॉमन पीपल सफर, कि भाई कॉमन पीपल की तो लैंड थी जो उनको उनको मिली थी, उनको राइट्स मिल गए थे, तो उनको भी कहा जाएगा कि अब आप इस लैंड को छोड़ो, गो अवे फ्रॉम द लैंड. समझ में आ गया वैष्णवी. सो अमंग द पीपल हु गॉट द लैंड राइट्स देयर वर मेनी कॉमन पीपल ऑल्सो, राइट. सो उनको बोला जाएगा कि इसको छोड़ दीजिए बिकॉज इट्स नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर यू टू गेट दिस दिस लैंड बिकॉज दिस लॉ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इज दैट क्लियर. ठीक है ना, ये बात है आपका पूरा, ये आर्टिकल है पूरा. सो इंटरेस्टिंग है, दिस एन इंटरेस्टिंग लॉ. चलिए नेक्स्ट है इनर लाइन परमिट, ये इसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया था. ठीक है ना, यस राजीव, दिस वाज रिटन बाय द अरोड़ा सर. करेक्ट करेक्ट. सो वैष्णवी द थिंग इज, बट दीज कॉमन पीपल हैड टेकन अप द लैंड. सो द थिंग इज, द आइडिया इज नॉट कि इन्होंने, द आइडिया वॉज दैट लीगली इट वॉज नॉट देयर ओनर, देयर ओन लैंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैंड ओनरशिप राइट्स. आप समझ रहे हो, लैंड ओनरशिप राइट्स उनको नहीं मिले थे बिकॉज ऑफ सम और द अदर, यू नो, मे बी कुछ हो सकता है कि किसी प्रूफ नहीं दिखा पाए थे, या लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड्स खो गए होंगे, या वॉट एवर द केस भी, बट दे वर कल्टिवेटिंग ऑन दिस लैंड बिकॉज ट्रेडिशनली दे हैड बीन. सो उनको रेगुलराइज करने के लिए ये लॉ लाया गया था. अभी लॉ ला चुके हो आप इतने साल पहले, आपने लोगों को बोल दिया ठीक है ये आपकी लैंड है, दिस इज योर लैंड. ठीक है, एंड अब आप कह रहे हो कि हम आपसे लैंड छीन लेते हैं वापस से. सो इतने समय से जो चलता आ रहा था वो आदमी कहेगा भाई ये क्या हुआ, मेरी तो लैंड थी, मेरे को लगा अब तो हो गया. सो आइडिया इज, यू नो, कि पुरानी लैंड वगैरह अब ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स देने की बात हो रही है. ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देने की बात हो रही है कि भाई ये जो आम आदमी है जिनकी लैंड, जिनको इतने समय से लैंड मिल गई थी, जो सोच रहे थे इनकी लैंड है, उनको लग रहा था भाई हमारी इनकी ओनरशिप मिल चुकी है हमको, उनसे अब वापस लेना लैंड इज इट एडवाइजेबल और नॉट. ठीक है ना, वो बात आती है. ठीक है ना, नाउ इनर लाइन परमिट क्या होता है, व्हाट इज आईएलपी, व्हाट इज इनर लाइन परमिट, व्हाट इज इनर लाइन परमिट. इनर लाइन परमिट होता यह है कि दे आर फोर स्टेट्स, फोर स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. इन स्टेट्स के अंदर हम और आप नहीं घुस सकते नॉर्मली, वी कैन एंटर दीज स्टेट्स नॉर्मली. हमको एक चाहिए होता है इनर लाइन परमिट. हु इशूज दीज इनर लाइन परमिट्स, सॉरी, कौन इशू करता है ये इनर लाइन परमिट, आर्मी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट. याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट issues these inner line permits. Cool? ठीक है. So स्पर्श वो proposal चल रहा था, वो हुआ नहीं था, ऐसी बात भी की गई थी, but नहीं वो हुआ नहीं था eventually. Not वो नहीं है. ठीक है ना. So अभी currently आपका मेघालय demand कर रहा है, मेघालय demand कर रहा है. So अभी हुआ क्या था, the latest state to be provided the inner line permit is Manipur. ये लास्ट ईयर ही मिल गया था, लास्ट ईयर मणिपुर वॉज गिवन दिस पर्टिकुलर इनर लाइन परमिट का स्टेटस. सो अमित शाह जी ने बोला कि भाई जो लास्ट ईयर हमने इनर लाइन परमिट दिया था, राइट, वो सेंटर का मणिपुर को बहुत आपका, यू नो, अच्छा गिफ्ट था. ठीक है ना. सो गुड क्वेश्चन. अब आता है कि भाई इनर लाइन परमिट क्यों दिया गया था, या क्यों दिया गया इन चार स्टेट्स को. द आइडिया ऑफ इनर लाइन परमिट इज, अब देखो, अच्छा, सो लेट मी, ओके, ये वीडियो मैंने आज बनाया था, तो लेट मी टॉक अबाउट द होल थिंग. देयर इज आर्टिकल 19, पता होगा आपको आर्टिकल 19. ठीक है ना, आर्टिकल 19 में देयर इज व्हाट, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है. सो एज पर दैट आप कहोगे सर हम तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, इंडिया यूनाइटेड कंट्री है, ऐसा क्या है, क्यों कर रहे हैं. बट देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू दैट, देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्केड्यूल ट्राइब. ठीक है ना, ओके, स्केड्यूल ट्राइब एस टीज को करने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्केड्यूल ट्राइब. सो ये जो इनर लाइन परमिट है, दिस इज टू प्रोटेक्ट दी
इनफ्लक्स ऑफ अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड अनरेगुलेटेड टूरिस्ट, अनरेगुलेटेड बिजनेसेस, अनरेगुलेटेड बिजनेसमैन, अनरेगुलेटेड योर पीपल इन टू दीज फोर स्टेट, जहाँ पे ट्राइबल लोगों को लगता है कि भाई हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जाएगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई बात? राइट, एग्जैक्टली. द इंडिजिनियस कल्चर ऑफ द ट्राइबल्स वुड बी हैम्पर्ड. इस कंसिडरेशन की वजह से आपके ये इनअलाइन परमिट का यहाँ पे दिया जाता है, सो दैट नॉट एवरी वन कैन एंटर फ्रीली. बात क्या होती है, अगर आप फ्रीली कर दोगे, इफ यू अलाउ एवरी वन टू एंटर इन टू दिस प्लेसेस, डू यू थिंक दैट द ट्राइबल पीपल ऑफ देम वुड फील कनेक्टेड टू इंडिया? आंसर इज नो. वो एक्चुअली ज्वाइन ही इसलिए कर रहे हैं इंडिया में कि उनको लगता है कि चलो हमको इंडिया में रह करके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और हम अपने खुद के कल्चर को भी प्रिजर्व कर पा रहे हैं. उनका ट्राइबल कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर एन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म. बात समझ आ गई ना, कि कुछ स्टेट्स के लिए हमने कुछ अलग प्रोविजन दे रखे हैं, कुछ स्टेट्स को हमने प्रोविजन नहीं दे रखे हैं, तो हम इसीलिए एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है. इज दैट क्लियर? इनअलाइन परमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इट्स समथिंग विच हैज बीन इनएक्टेड. ठीक है ना? नहीं, इनअलाइन परमिट सिर्फ इन चार स्टेट्स में है, और कोई अंडमान निकोबार में भी इनअलाइन परमिट नहीं है. सो अब ये हुआ था कि दिस वॉज एक्चुअली अंडर द ब्रिटिश एरा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, एक लॉ हुआ करता था विच लेड द इंडियन सिटीजन टू एंटर अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड. सो अब ये होता है कि मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में. सो प्रियंका, या वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेलिटीज, बट इट माई यू माइट गेट इट विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज ऑल्सो, एक दो दिन में भी मिल सकता है. सो बेसिकली द आइडिया इज ऑनलाइन, ऑनलाइन का भी सिस्टम है, दिस इज एन ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो. ठीक है ना? सो ILP जो है ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर में जाने के लिए होता है, एंड सेवरल ग्रुप्स इन मेघालय हैव बिन डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस. क्लियर हुई बात? सो ये ब्रिटिश के टाइम पे लॉ था जिसको मॉडिफाई किया गया इंडिया के समय, कि इंडियन सिटीजन्स भी जो है वो यहाँ पे नहीं घुस सके. सो नॉन नेटिव कैन नॉट एंटर इन टू द इनअलाइन परमिट एरिया फॉर हाउ मेनी डेज, यार वो प्रियंका इट डिपेंड्स. आप एप्लीकेशन रखोगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपको लंबे समय रहना तो लंबे लंबे समय के लिए, कम समय के लिए तो कम समय के लिए, इट विल डिपेंड अपॉन दी नीड्स आपके एप्लीकेशन पे एंड देन उनके अप्रूवल पे. टूरिस्ट ऑल्सो, एनी वन, टूरिज्म आप ऐसे नॉर्मली नहीं जा सकते हो. हाँ, डू यू नो दैट आपका, हाँ, योर ILP मेघालय चाहता है यार. आई एम श्योर वाकिफ, देर मस्ट बी अ वे अराउंड दैट. IAS IPS ऑफिसर्स तो वहाँ पर कैडर में चले आते हैं, सो दे स्टार्ट लिविंग, तो उनको ILP वगैरह शायद नहीं चाहिए होता होगा, उनका कैडर ही अलग है, तो आई डोंट थिंक उनको चाहिए होगा, बट नॉर्मली. ठीक है ना? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिफेंड न्यू रूल अंडर द GST. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड इट्स न्यू रूल. व्हाट इज द न्यू रूल पता है आपको? जो भी बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 10 लाख, आपको याद होगा मैंने एक वो कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी मैंने, ये पिछली बार सोचा था 50 लाख पर ईयर है, इस वक्त 50 लाख पर मंथ, दिस इज ह्यूज, इतना तो भाई ज़्यादा ही होता है. सो इफ समवंस टर्नओवर इज 50 लाख पर मंथ, देन 1% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज अंडर GST हैव टू बी पेड इन कैश. इज दैट क्लियर? ठीक है ना? वाई इज दिस डन, ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोई हाइड ना करें, सो दैट दे डोंट हाइड. ठीक है, दे डोंट हाइड दी आपका ये अपना GST वगैरह इनकम हाइड ना करें. ठीक है ना? सो अब क्या होता है, वेरियस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स पेयर जो है उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया. राइट, अब देखो सवाल ये था, इट स्टोक्ड फियर्स दैट मैंडेटरी कैश पेमेंट वुड एडवर्सली इफेक्ट स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है, इंक्रीजिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मेकिंग अ GST मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम. बट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला था दैट ओनली रिस्की और सस्पिशियस डीलर्स एंड फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स वुड बी अफेक्टेड बाय द मूव. सेवन एंटिटीज विद अ टर्नओवर ऑफ 6 करोड़ राइट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द रूल. से बोला गया था कि भाई आपके जो इस टाइप के सस्पिशियस वगैरह जो हैं वो लोग को किया जाए, बिकॉज बहुत बार क्या करते हैं, दे यूज फेक GST इन्वॉइसेस. एक्चुअली क्या है ना, टैक्स इवेजन करते हैं, झूठे GST इन्वॉइसेस बना करके उसको कर्व करने के लिए दो तीन इन्होंने तरीके अपनाए. जैसे एक और ये भी किया गया था कि फिजिकल चेकअप भी कराया जाएगा, याद है आपको बोला गया था दैट फिजिकल चेकअप ऑफ योर प्रीमाइसेस वुड बी डन,
टू सो दैट यू नो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आकर देखेंगे कि आप जीएसटी का कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कहाँ इनवॉइसेस रख रहे हो, कैसे इनवॉइसेस बना रहे हो वगैरह वगैरह। चलिए एक्सप्लेन किया हुआ था। यस ऑन नेपाल इंडिया प्रिफर्स टू वॉच फ्रॉम साइड लाइंस एंड 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 मी बी लाइक हाँ, साइड लाइंस पता है हमको जी। चलिए ठीक है। तो विद इन द 7 मंथ्स द टॉप लीडरशिप जो है आपका कंप्लीट टर्न अराउंड हो चुका है, एंड केपी ओली जो है उन्होंने उनका झगड़ा हो चुका है अपनी पार्टी के अंदर, एंड उन्होंने पार्लियामेंट डिजॉल्व भी कर दिया है, और उनके जो एक राइवल हैं पुष्प कमाल दहालिया जिनको प्रचंडा भी कहते हैं। ठीक है, सो हु इज सीन एक्चुअली प्रो इंडिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप समझ रहे हो ना कि इंडिया ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, इंडिया ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो इनवॉय मीट्स योर ओली। सो इन दी अदर टर्न अराउंड चाइना जाकर के आपके चाइना विच हैज स्टेड अलूफ इन द इंटरनल पॉलिटिक्स हैज शोन इट्स हैंड इन द करेंट सिनेरियो, वाइल इंडिया विच इज ऑफन अक्यूज ऑफ इंस्टिगेटिंग इंस्टेबिलिटी इज वॉचिंग द सिचुएशन क्लोजली फ्रॉम दिस साइड लाइंस। मान लिया मैंने, ठीक है। डोवल साहब भी लाइक अच्छा ठीक है, एज यू से द हिंदू। तो इंडिया ने तो बस याद होगा आपको, दे जस्ट नोटेड द डेवलपमेंट्स। इफ रिमेंबर वी हैड जस्ट यू नो एक पब्लिक स्टेटमेंट आता है दैट वी आर नोटेड द डेवलपमेंट्स, नाइदर डू वी यू नो वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो, नाइदर वी आर वेरी सैड अबाउट इट ऑल्सो, वी आर नोटेड इट। नेक्स्ट इज ईयू नेशंस रोल आउट मास वैक्सीनेशन। अरे सो द गोल इज टू ऑफर द शॉट्स टू ऑल द एडल्ट्स थ्रू 2021, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड एल्डरली आर बींग प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन ने मासिव स्केल पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च कर दिया है, विद पेटिशनर्स एंड मेडिक्स लाइनिंग अप टू टेक द फर्स्ट शॉट टू सी ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए बड़ी अच्छी बात है, दिस इज गुड, दिस इज गुड थिंग, ये अच्छी बात है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज अफगान पीस टॉक सेट टू रिज्यूम इन दोहा। सो द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प टू बी हेल्ड इन कतार नेक्स्ट मंथ, राइट। एंड पीस टॉक्स कहाँ पे हो रहे हैं, आपके लग्जरी होटल में। मस्त यार, लग्जरी होटल में चल रहा है यार, मेरे को भी बुला लो, दोहा के लग्जरी होटल में बैठ करके पीस टॉक्स चल रही है इनकी। यार प्रियंका, अब यार ये आपके ऊपर है, आपको अगर भरोसा है तो करवा लीजिए, बहुत लोग तो करवा रहे हैं, थोड़ा वेट भी कर सकते हो अगर आपको डर है तो। बट वही है कि आई थिंक जो मेडिकल स्टाफ है वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मेडिकल स्टाफ उन सबको पहले लगेगा, उसके बाद ही मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। सो दोहा में सो यूएस इज द मीडिएटर, यस यूएस इज द मीडिएटर यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका पीस टॉक्स चल रहे हैं एंड सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन नाउ, ठीक है ना, जो बिगिन होंगे 5 जनवरी से। बट 5 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे, वाई? क्योंकि 5 जनवरी है ना, 5th या 6th जनवरी है ना, जब आपके डोनाल्ड ट्रंप हट के जो बाइडन आ जाएंगे, वैसे वही 5 6 6 तारीख। सो इट विल बी ह्यूज, लेट्स सी हाउ ही टेक्स द बैटन फॉरवर्ड, व्हाट अप्रोच ही फॉलोज फॉर दीज पीस टॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इस समय अगर आप देखो ना, जो घानी है उन्होंने कहा कि भाई जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्स होने चाहिए वो अफगानिस्तान में होने चाहिए, ना भाई दोहा हुआ क्यों बुलाते हो, ठीक है ना, बिकॉज इट इज नेसेसरी दैट द पीपल सी हाउ द टॉक्स हैपन, विच इशूज आर विच इशूज फोकस एंड ऑन वाई। वो चाहते हैं अफगानिस्तान में करो, ये लोग कहते हैं दोहा में करो, एंड कतार भी नहीं करे, अच्छा यार हमारा हमारा GDP बढ़ रहा है, बाहर के लोग आकर के यहीं पर मस्त काम कर रहे हैं, हमारा पैसा बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल कर लेते हैं। एसेंशियली एसेंशियल ड्राई रन, विच ड्राई रन आर वी टॉकिंग अबाउट, विच इज वेरी एसेंशियल, द ड्राई रन फॉर द कोविड वैक्सीनेशन।
देखिए हम लोग जो बात अभी क्या चल रहा है, एसेंशियली जो स्टेट्स हैं राइट, अब देखो आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात एंड पंजाब, यहाँ पे ड्राई रन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन इन दिस वीक। ड्राई रन बेसिकली, अच्छा आई गिव एन एग्जांपल, ड्राई रन इज प्रैक्टिस, पायलट प्रोजेक्ट प्रैक्टिस। जैसे नहीं होता टेस्ट मैच से पहले वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, ये प्रैक्टिस मैच हो रहा है विदाउट प्लेइंग विद द रियल टीम। मतलब वैक्सीनेशन बस नहीं लगा रहे हैं, बाकी देखा जा रहा है कि कैसे, सो देर बी अ डमी वैक्सीन, वैक्सीन यू नो आपके डमी वैक्सीन होंगी, हाउ दे वुड बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट होकर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कितने समय में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, कितने वायल्स पहुंच पा रहे हैं, क्या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज यूनिट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स कितने हैं, वो भी डॉक्टर वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, डॉक्टर उसको कैसे निकालेगा, डॉक्टर उसको कैसे लगाएगा, बस लगाएगा नहीं, बस वहाँ तक ही ड्राई रन रहेगा। सो दैट द होल थिंग इज यू नो अ वेल ऑयल्ड मशीन, सो दैट जैसे ही वैक्सीन आए फिर से ये चीज़ रिपीट कर दी जाए, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस मेक्स द डॉक्टर्स परफेक्ट। सो कॉन्स्टेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर वैक्सीनेशन इज एसेंशियल। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्राई रन इज इम्पॉर्टेंट, अभी उसकी बात भी करेंगे, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू बी इंश्योर दैट ऐसा ना हो कि भाई लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट्स आए, सो वी हैव टू मॉनिटर, कीप ऑन मॉनिटरिंग इट, ठीक है ना। सो आपके जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं राइट, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहाँ पे फेज थ्री का डेटा अभी टेस्ट किया जा रहा है एंड एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। राइट, इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन गेट अप्रूवल, अ कंट्री वाइड रोल आउट वुड बी देयर। राइट, सो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह से स्टार्ट स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो इंडिया हैज़ बीन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन ईच ईयर एंड हेंस हैज़ द एंटायर सिस्टम इन प्लेस टू रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड द प्रोग्राम एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट टू बी रोल्ड आउट, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो है यूनिवर्सल, कौन सी स्कीम होती है वो बताओ, इम्यूनाइजेशन स्कीम कौन सी है, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष सुना होगा ना, मिशन इंद्रधनुष, नेम इज मिशन इंद्रधनुष। सो उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, बट बच्चों को लगाते हैं, कभी हुआ है ऐसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ एडल्ट, तो बच्चे बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है, बट अब बड़ों को लगाने की भी जब बात हो रही है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इतने मास स्केल पे बड़ों को भी लगाई जाएगी, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ एडल्ट वुड बी डन एंड इसके लिए ड्राई रन कराया जा रहा है, सो चार जगहों पर लगाया जा रहा है इस टाइम। मून अर्श, आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। वैष्णवी बताते थे मैंने आपको भी, आपका ध्यान कहाँ था, ड्राई रन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, बता देखना कि कैसे द होल वैक्सीनेशन को आपके लैब से निकाल करके उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको गाड़ी में रखना, गाड़ी से रख के उसको स्टेट कैपिटल में भेजना, स्टेट कैपिटल से भेज के और जगहों पे भेजना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चेक करना, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को चेक करना, डॉक्टर कैसे जाएगा, डॉक्टर कैसे निकालेगा, उसको कैसे लगाएगा, दिस इज अ ड्राई रन, ठीक है ना। दूसरी बार हो गया ये चीज़ तो हमने। सो ड्रिल, द होल मॉक ड्रिल, जैसे आप नहीं करते उसमें, कभी नहीं होती आपने, मे बी यू हैव कम अक्रॉस दोज अर्थक्वेक ड्रिल्स, नहीं होती मॉक ड्रिल्स, अर्थक्वेक की ड्रिल्स होती हैं, है ना, तो वो वही वैसे ही फायर ड्रिल होता है या अर्थक्वेक ड्रिल होता है, सीपीआर ट्रेनिंग, उसी टाइप की बात कर रहे हैं कि भाई ड्राई रन करके देख लो कि कैसे पूरा होगा। सो व्हाट विल बी टेस्टेड इज अगेन लिंकेजेस बिटवीन प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, पूरा होल थ्रू एंड थ्रू। सो इट्स बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, समझ रहे हो ना, इट्स अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सो क्योंकि फोर रिस्क ग्रुप्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, सो द फर्स्ट टास्क इज टू रजिस्टर द रेसिपियंट्स ऑफ कोविन ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म। ये कोविन प्लेटफॉर्म याद रखना इज द प्लेटफॉर्म विच इज बीन यूटिलाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीनेशन ऑफ कोविड, ठीक है ना। सो अब क्या होगा कि प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम पर 100 एडल्ट्स को एडमिनिस्टर किए जाएंगे वैक्सीन्स, राइट, एंड उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि भाई ये इंसान वही है कि जो एलिजिबल है भी कि नहीं है, ठीक है। एंड देयर फोर द होल थिंग हैज़ टू बी वेरी रोबस्ट, इट शुड नॉट ऑल्सो हैपन दैट यू नो जिसको डिजर्व करते हैं उसको उसको ना मिले और जो अनडिजर्विंग है उसको पहले मिल जाए, ठीक ना। तो प्रियंका आप उसको यू नो उसका एक मैकेनिज्म अभी अभी किया जाएगा, अभी किया ही नहीं गया, देर इज नथिंग एज ऑफ नाउ देयर, बट इवन इफ यू रजिस्टर अभी आपको मिलेगा भी नहीं बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक
अनलेसनली यू आर अ डॉक्टर, डॉक्टर या नर्स में से अगर आप कुछ हैं, राइट। सो अभी आम जनता के लिए नहीं है, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसमैन, इन लोगों के लिए है, ठीक है ना। नहीं दर्श, डिफरेंट स्ट्रेन्स डू नॉट हैव द, दे हैव द सेम वैक्सीन, दैट इज द बेनिफिट अभी के लिए जो है। टिल नाउ वॉट एवर स्ट्रेन्स वी हैव फाउंड फॉर कोविड, द वैक्सीनेशन इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। हाँ वही आर्मी की भी बात हो रही, प्रिसाइसली। सो अब ये आईटी प्लेटफॉर्म को जनरेट करना है डेट एंड टाइम एंड द पीपल कैन रिसीव द सेकेंड डोजेज ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें ना, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के थ्रू यूज़ किया जाएंगे। बेसिकली दे विल बी यूजिंग कॉम्प्लेक्स कोडिंग टू डिटरमाइन द होल मैकेनिज्म सो दैट सो मैनी पीपल कैन बी वैक्सीनेटेड एंड स्केड्यूलिंग कैन बी डन विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह भी बाद में आएंगे, दे विल ऑल्सो कम। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे वुड ऑल्सो कम इन टू द लाइन। सो देर इज अ प्रायोरिटी चेक लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट होगी ना, तो पहले ये, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये, ऐसे करके, ठीक है ना। सो यही है, दैट्स इट। तो गाइस आज के आर्टिकल्स हो गए हैं। अब कल के दो आर्टिकल्स रह गए थे, नहीं कल का एक आर्टिकल रह गया था, उसको कल कर लें। आज मैं आई एम टू टायर्ड टुडे, ठीक है ना, कल कर लूँगा मैं। आप चिंता मत करो, मैं कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के भी होगा तो आई विल कंप्लीट द पेंडिंग टू आर्टिकल्स, ठीक है ना। हाँ 27 का भी एक है, तो दो आर्टिकल्स रह गए, विल डू दैट, चिंता मत करिए। आज का खत्म हो गया, विल टेक इट अप टुमारो, नो वरीज। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।